दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऊबर ड्राइवर ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब नए लोग ऊबर कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ड्राइवर के पोस्ट पे अपने कार या बाइक को लगाते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम ऊबर ड्राइवर ऐप को कैसे यूज करें, उसमें कैसे ऑर्डर आता है, उसमें अपनी रोज की कमाई कैसे देखें, उसमें कैसे हम कस्टमर के लोकेशन तक पहुँचें, उसमें कैसे कस्टमर के मंजिल तक छोड़े, फिर उससे ऑनलाइन कैसे पैसा लेते हैं। तो ये सब समस्या होती है, ये सब उन्हें नहीं करना आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूँ ऊबर ड्राइवर ऐप की। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन के होम पेज पे हूँ। इसके बाद अब मैं ऊबर ड्राइवर ऐप के ऊपर क्लिक करके ऊबर ड्राइवर ऐप को ओपन करूँगा। तो चलिए मैं ऊबर ड्राइवर ऐप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। जैसा कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन में ओपन होगा, उसी तरह से आपके भी फ़ोन की स्क्रीन में ओपन होगा। सबसे पहले हमें ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा, जैसे कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा व्हाट्स योर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, यानी आपने जो ऊबर में ज्वाइन करते हुए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था, आपको उसी को इसमें इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, वो चार अंकीय ओटीपी फिल करना पड़ेगा। कई बार ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, जैसा कि अभी हमारे फ़ोन में हो चुकी है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा वेलकम बैक शिव बालक, यहाँ पे आपका नाम शो होगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इंटर योर पासवर्ड। अगर आपको अपना पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आई फॉरगेट माई पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। तो लेकिन मुझे अपना पासवर्ड याद है, इसलिए मैं इसमें अपना पासवर्ड फिल कर लूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड फिल कर लिया, इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह की डिस्प्ले शो होगी, सिर्फ आपको ऊबर लिखा हुआ दिखेगा और सारी स्क्रीन ब्लैक होगी। यह थोड़ा समय लेता है, एक दो सेकंड का। इसके बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन पे ऊबर ड्राइवर पूरी तरह से कंप्लीट ओपन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। इस पेज पे आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इन ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन पे कस्टमर का ऑर्डर कैसे आता है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही होगी। जब भी कोई कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी कंपनी की तरफ से मुझे कोई 10 मैसेज आए हैं जिसको मैंने देखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे 10 शो हो रहा है। इसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे रुपए का आइकन में, इसके बाद यहाँ पे 0 लिखा है। या टुडे की कमाई, यानी एक दिन की कमाई आपको डेली दिखाता रहेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आज के दिन मैंने एक भी रुपए की कमाई नहीं की, इसलिए यहाँ पे 0 बना है। यहाँ सर्च का आइकन है, जिस एरिया को आप सर्च करना चाहते हो सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके उस एरिया को आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सेफ्टी का दिया हुआ है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे आपातकालीन में जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है एम्बुलेंस या पुलिस की, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अर्जेंट में मंगा सकते हो। भगवान ना करें कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़ी इस ऑप्शन की। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा योर ऑफलाइन, यानी अभी आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन होगे तभी आपके फ़ोन पे कस्टमर का ऑर्डर आएगा। तो ऑनलाइन होने के लिए आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन हो जाओगे। तो चलिए अब मैं गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मैं ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा यू आर ऑनलाइन, यानी आप ऑनलाइन हो चुके हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फाइंडिंग ट्रिप, यानी आपके लिए ऑर्डर ढूंढ रहा है, देखते हैं कब ऑर्डर आता है। ये देखिए अभी ऑर्डर आ चुका है। जैसे ऑर्डर आता है आपके फ़ोन की स्क्रीन पर इस तरह का पेज शो होगा और इस तरह की घंटी बजने लगेगी। इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा जो कस्टमर का लोकेशन, यानी कस्टमर इस लोकेशन पे है। इसके बाद आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा ड्रॉप लोकेशन, यानी कस्टमर को इस लोकेशन पे जाना है। तो आप इन दोनों लोकेशन को देखने के बाद राइट को एक्सेप्ट करिएगा, यानी स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस राइट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम है। जैसे मैं आदमी वाला आइकन पर क्लिक करूँगा, राइट हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, मेरे लिए स्वीकार हो जाएगी। अब आप देखोगे तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो आपके सामने इस तरह का एक लोकेशन हो जाएगा कि
आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है, क्योंकि इसी लोकेशन पे कस्टमर का घर है, यानी जहाँ पे कस्टमर है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये लोकेशन जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई नहीं, आप नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा मैप के थ्रू जा सकते हैं। नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने गूगल मैप ऑटोमेटिक ओपन होना शुरू हो जाएगा और आपके सामने एक ऑटोमेटिक रूट बन जाएगा कस्टमर के घर तक जाने का, यानी जहाँ पे कस्टमर है वहाँ तक जाने का आपके फ़ोन के स्क्रीन में ऑटोमेटिक रास्ता बन जाएगा। जैसा कि अभी आप देखोगे मेरे फ़ोन में यहाँ पे बन चुका है, मैं इस रास्ते से कस्टमर के पास जा सकता हूँ। जैसे आप कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा स्टार्ट ऊबर मोटो और यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा पिन रिक्वेस्ट। पिन का क्या काम है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचते हैं वहाँ पे कस्टमर नहीं मिलता है या आता ही नहीं है, हम यहाँ से मैसेज करते हैं फिर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ना हम कॉल का कोई रिप्लाई मिलता है, तो हमें 4 से 5 मिनट वेट कर लेना है। 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद अगर कस्टमर नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि राइड को कैसे कैंसिल करना है। राइड को कैंसिल करने के लिए आपको इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद फिर से आपको अप वाले साइड में देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएंगे, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आपको राइड कैंसिल करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको कैंसिल ट्रिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपकी कैंसिल ट्रिप हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कस्टमर 5 मिनट से पहले पहले आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा स्टार्ट ऊबर मोटो, आपको इस पर राइट स्वाइप करना है, जैसा कि यहाँ पे एरो बना है बिल्कुल आपको वैसा ही कर लेना है। जैसे आप इस पर राइट स्वाइप करोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा एंटर पिन, तो आपको अपने कस्टमर से एक पिन पूछना है जो कि उनके फ़ोन पे आ रहा है 4 अंक का ओटीपी। आप उस ओटीपी को इसमें एंटर करिएगा, ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा ड्रॉपिंग गुड्डू, यानी जो कस्टमर उसे कहाँ पर ड्रॉप करना है। आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिख रही होगी, अगर आप इस लोकेशन को देखो तो ठीक है, नहीं देखो तो फिर से आपको नेविगेशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इस ड्रॉप वाले लोकेशन पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जैसे नेविगेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे आपका बेस्ट रूट दिखाया जाएगा कि आपको अपने ड्रॉप लोकेशन तक कौन सा ऐसा रूट है जो आपको जल्दी से और आसानी से पहुँचा सकता है, तो आपके फ़ोन पे आ जाए। जैसे आप कस्टमर को कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन तक छोड़ोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा ड्रॉपिंग ऑफ गुड्डी, यानी जो ड्रॉपिंग थी हमारी जो छोड़ने का क्रिया था वो ऑफ हो गया, यानी बंद हो चुका है। अब आपको कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कैश लेना उनसे। तो चलिए मैं कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि उनसे 34 रुपये लेने हैं। तो चलिए मैं कंप्लीट ऊबर मोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप उनसे 34 रुपये ले लीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा हुआ जो राइटिंग, यानी कि आप अपने राइडर को कितने स्टार देना चाहते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप अपना उनका बिहेवियर देख लीजिएगा। कई लोग होते हैं झगड़ा करने लगते हैं आने में जाने में या फिर पैसे देने में, कितने 34 नहीं 30 हुआ, तो उस हिसाब से आप रेटिंग दीजिएगा। जो मेरे कस्टमर तो ठीक थे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 5 रेटिंग दे दिया है। रेटिंग देने के बाद आपको राइट लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप फिर से होम पेज पे आ जाओगे और आपके लिए फिर से राइट ढूंढना शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ऑर्डर आपके फ़ोन पे आना शुरू हो जाएगा। सो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। धन्यवाद।